ब्यूटी ब्लेंडर एक तो ये चिड़िया बहुत बोल रही। मैंने इधर ही आके बोलना था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो है जी हमारी, कैप्शन से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, ब्यूटी ब्लेंडर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ होता है और इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इसकी कवरेज कौन से किस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी आती है। तो चूँकि अक्सर बिगनर्स वगैरह ये इन लोगों को नहीं पता होता कि ब्यूटी ब्लेंडर एक तो ये चिड़ियाँ बहुत बोल रही। मैंने इधर ही आके बोलना था। चले जी, खैर खैर इनको बोलने दे, आप सुनते रहे। तो जी आज ये सब्जी वाला भी आ गया है पीछे, चला जा। मैंने कहा पहले ये चिड़ियाँ तोते और ये सब्जी वाला जितना बोलना चाहता है ना, पहले बोल ले फिर हम कोई वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन खैर जी चलें, वीडियो में आज हम डेमो के साथ देखेंगे कि कौन से ब्यूटी ब्लेंडर की कवरेज कैसी है और किस तरह से हमें ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहिए। क्या हमें ब्यूटी ब्लेंडर को वेट फॉर्म में यूज़ करना चाहिए या ड्राई फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाफ फेस पे हम वेट वाला ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करेंगे और हाफ फेस पे हम वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हाथ में जी दो ब्यूटी ब्लेंडर है, आप देख रहे होंगे कि इनके साइज में भी डिफरेंस है। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि एक ब्यूटी ब्लेंडर मेरा वेट है, ये वाला जो ब्यूटी ब्लेंडर है इस टाइम मेरे राइट हैंड में, ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर ये देखे आप कितना सॉफ्ट है और ये देखे कितना मतलब मजे की फील दे रहा है, ये वाला वेट ब्यूटी ब्लेंडर है। अच्छा, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ये होता है कि जब आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करते हो तो ये साइज भी इसका इंक्रीज हो जाता है। तो ये रहा मेरा वेट वाला ब्यूटी ब्लेंडर और जो मेरे लेफ्ट हैंड में है ये है ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर। अच्छा, अब इसमें आप देखें, ये इसकी सॉफ्टनेस चेक करें और जब चूंकि ये वेट वाला ब्यूटी ब्लेंडर है तो इसकी ये देखें कितना हार्ड है ये थोड़ा सा, तो आपको पकड़ने में भी आइडिया हो जाता है कि कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा अच्छा रहेगा या क्या कवरेज देगा। तो ये है हमारा हार्ड वाला ब्यूटी ब्लेंडर जो कि ड्राई फॉर्म है और ये हमारा सॉफ्ट सा ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि हमारा वेट वाला ब्यूटी ब्लेंडर है। तो चले अब इसकी कवरेज स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने वेट वाले ब्यूटी ब्लेंडर से, इससे कवरेज करके देखेंगे कि किस तरह की कवरेज आ रही है और उसके बाद अपने ड्राई वाले ब्यूटी ब्लेंडर से करके देखेंगे कि इसकी कवरेज कैसी आ रही है। तो हम अपनी फाउंडेशन को लेते हैं पहले इस तरह अपने हाथ पे और उसके बाद पहले एक साइड पे हम अप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी दूसरी साइड पे अप्लाई करेंगे। तो हाफ फेस पे इसको लगा लेते हैं अच्छे से अपनी फाउंडेशन, ताकि हमारी फाउंडेशन जाया ना जाए। बैन महंगी आती है फाउंडेशन, ये देखो अच्छी तरह हाथ से साफ करनी है। तो देखेंगे कि इतनी ही क्वांटिटी कैसी रहती है। ये है जी वेट वाला ब्यूटी ब्लेंडर और इससे आप इसको करेंगे ब्लेंड और आप देख रहे होंगे कि इसकी कवरेज अच्छा। ये एक तो ये इसमें मॉइस्चर होता है ना, तो एक अच्छा वेट में भी ये मसला होता है कि जी कितना वेट होना चाहिए। आपने इसको डिप चप करना है और इसको जब निकालना है तो इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो इसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा, तो इतना मतलब ये होना चाहिए अच्छी तरह, मतलब आप इसको निचोड़ लें कि इसमें से पानी ना निकले। तो अब इसकी आप देख सकते हैं कि हम जब वेट से करें, अच्छा वेट में ये देखें मतलब इसमें फाउंडेशन अंदर की तरफ नहीं इतनी जा रही और ये जो इसने अपना काम करना है ये वो कर रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से ठीक करते हुए आज सारे उमोड़ले टिंडे पांडे चिड़ियाँ तोते सब ने आ दिया ना, तो गुजारा करो गुजार ले। ठीक है, तो ये देखो ये है इसकी कवरेज। आपको जितनी फाउंडेशन लगानी है वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको क्या चाहिए। मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में सिर्फ इसलिए लगाई है कि मुझे इसकी आपको कवरेज दिखानी है कि इसकी कवरेज है कैसी, मतलब कौन सी टेक्निक से हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वेट हो या ड्राई है। तो ये रहा हमारा वेट वाला साइड और ये आप देख रहे होंगे कि इसकी ब्लेंडिंग कितनी स्मूथ है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर पे भी फाउंडेशन नहीं है। तो आपने ये भी देखा है कि इसके ऊपर फाउंडेशन नहीं है, वरना तो फाउंडेशन अक्सर ब्यूटी ब्लेंडर्स ऐसे होते हैं कि इसके अंदर फाउंडेशन चली जाती है। और मोरल दफा हो जा, खैर ये
ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड की तरफ। इसको उतनी देर में छोड़ देती तो आके जो इसने स्किन के अंदर बैठना है वो आराम से बैठ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं जी अपनी दूसरी साइड पे। अगेन मैं फाउंडेशन उतनी ही लूंगी जितनी मैंने फाउंडेशन इस साइड पे लगाई थी, और इसको अच्छे से यूँ अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद वेट वाले ब्यूटी ब्लेंडर से, सॉरी ड्राई वाले ब्यूटी ब्लेंडर से इसको हम ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये आ गया जी मेरा ड्राई वाला ब्यूटी ब्लेंडर, सारी इसके वापस से ले लेते हैं और अब ड्राई वाले से इसको यूज़ करना शुरू करते हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये है हमारी वेट एरिया। अच्छा, इसमें वेट में एक जो मसला आया है अभी तक मुझे, वो ये है कि इसके ऊपर फाउंडेशन लग रही है बार बार। ये देखो, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। ये देखो, ये फाउंडेशन सारी इसके ऊपर लग रही है, तो ये हम इसको अच्छे से पहले ब्लेंड करेंगे। डेली बेसिस के लिए आपने अगर करना है या क्या है, ये देखो अब ये वाला साइड देखो, ठीक है, और ये वाला, मैं एक मिनट शीशा भी साथ साथ रख लूँ। अच्छा, ये वाली साइड जो है ना, सॉरी इससे मैं क्यों कर रही हूँ, इससे ये वाली साइड में थोड़ा मॉइस्चर है, और मतलब थोड़ी जो उसकी ब्लेंडिंग है वो ऐसे है जैसे ये मेरी स्किन का ही पार्ट है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा फाउंडेशन नहीं लगाई। ठीक है, और ये है हमारी ड्रेवेट वाली साइड, और इसमें जो है कवरेज का थोड़ा मसला आ रहा है। ठीक है, ये वाली जो है वो जितनी मैंने फाउंडेशन लगाई है उस हिसाब से कवर हुई है, और ये वाली जो है ना मतलब इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं है, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन थी वो आधी इस ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर आ चुकी हुई है। तो जी, दोनों साइड पे एप्लीकेशन हो चुकी है, ये वाली ड्राई साइड थी, सॉरी वेट साइड थी, और ये वाली थी ड्राई साइड। तो जो मतलब मेरी रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप वेट वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, मतलब डैम होना चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इससे ये है कि इसकी कवरेज में एक स्मूथनेस है, और इसमें ये है कि ये मतलब एक यू नो ड्यूई लुक क्रिएट करती है, जबकि इसमें एक तो फाउंडेशन लगती भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ड्राई स्पॉन्ज है, तो ये जो है फाउंडेशन अपने पे चिपका लेती है, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ब्यूटी ब्लेंडर, और इधर जो है वो कम कवरेज देता है। तो ये वाला साइड जो है वो थोड़ा यू नो मॉइस्चर मुझे फील हो रहा है कि मतलब कुछ मतलब फाउंडेशन फ्लॉलेस सी फील हो रही है, यहाँ पे मुझे बिल्कुल ड्राइनेस फील हो रही है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं कुछ ड्राई सा, इतना पार्ट मुझे अपना फ्रेश फील हो रहा है, और इतना पार्ट जो है मुझे वो अपना बहुत ज़्यादा ड्राई वाला फील हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को दोनों एप्लीकेशन करके दिखाई है, और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपने जब भी फाउंडेशन यूज़ करनी है विद द ब्यूटी ब्लेंडर, तो आपने इसको ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा डैब करके इसको वेट करके फिर यूज करना है। इससे यह है कि एक तो फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर नहीं जाएगी, इसकी कवरेज फ्लॉलेस रहेगी, और जिस तरह अगर ड्राई स्किन वाले हैं उस तरह उन लोगों को बिल्कुल भी मसला नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी वेट है, इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है। जबकि अगर ड्राई वाले या दूसरे लोग ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं, एक तो इससे कवरेज बहुत ज़्यादा है, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगेगी, और इसमें फ्लॉलेस नहीं है, ये ऐसे है जैसे ड्राई है, और थोड़ी देर बाद ये हल्का सा लुक आपका केकी कर देगा, जबकि वेट वाला ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो ये सब नहीं करेगा। तो फ्रॉम माय साइड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया करो बनिस्बत ड्राई के। भाई फाउंडेशन बड़ी महंगी आती है, तो बहुत ज़्यादा आहो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं बाकी का मेकअप अपना नहीं कर रही, इट्स जस्ट दैट के मुझे आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना था कि ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो गो विद द वेट
वाला ब्यूटी ब्लेंडर और फाउंडेशन की भी थोड़ी बचत हो जाएगी। ठीक है चलिए जी, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।